तो गाइस स्वागत है आपका इजी फ्लैशिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर फिर से नए फ़ोन के साथ, नए फोल्ड के साथ। वीवो V17 1919 भी कहा जाता है, V19 1919, जिसका मैंने बैक कवर पहले से खोल रखा है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर पासवर्ड लग चुका है या पैटर्न लग चुका है, आप जो भी कह सकते हो। यहाँ पर पैटर्न है तो पासवर्ड भी इसी तरह खुलता है, आपको पता होगा। फैक्ट्री रिसेट करना है हमें इसे, और कैसे करना है क्योंकि इसका बैक कवर खोल के हमें इसको EDN मोड से कनेक्ट करना है। EDN मोड के लिए मैं आपको खास बता दूं, यहाँ पर आप फोटो में देख लीजिए कि EDN मोड को कैसे कनेक्ट करना है। ये दोनों पॉइंट जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनको आपको शॉर्ट करना है, लेकिन याद रहे बैटरी को कनेक्ट रखना है, बैटरी को कनेक्ट रखना है, बैटरी रिमूव नहीं करनी है। तो अनलॉक टूल की मदद से हम इसको खोलेंगे। अनलॉक टूल मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैं इसको लॉगिंग कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत टाइम जाता है, इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा कट करूँगा, तो वीडियो को कट कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने EDL मोड कनेक्ट पहले से ही कर रखा है, तो आप देख सकते हो कि अगर बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो इस तरह से छोड़ दिया जाता है, जहाँ ऊपर दिखाया जा रहा है कि अभी EDL मोड नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बैटरी लगाया, EDL मोड पॉइंट को छुआ, शॉर्ट किया, तो वो EDL मोड पे चला गया। तो आपको भी बैटरी को कनेक्ट रखना है, ठीक है। EDL मोड कनेक्ट हो जाने के बाद सिंपल सा हमें अनलॉक टूल में वीवो का जो सेक्शन है, वीवो वाला, वहाँ पर हमें क्लिक करना है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर सर्च करेंगे V17। तो यहाँ पर देख सकते हो आप पहला ही आ गया है, तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे और सिंपल सा फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारा फ़ोन पहले से ही क्विलकॉम मोड में है। अगर नहीं है तो आप ला देना, फिर करना, मैंने पहले से ही रख दिया है। तो ये फैक्ट्री रिसेट होना स्टार्ट हो गया है, और इसी के बाद हम करेंगे इसका FRP रिमूव करेंगे, उसका भी सेम प्रोसेस है, बहुत ही ईजी है। और दोस्तों, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको और भी नई नई जानकारियाँ, नई नई अपडेट मिलती रहेगी, और बहुत से ऐसे वीडियोज आपको बहुत सारे यूज़फुल हो के, तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ पर EDS FRP पर हम क्लिक करेंगे, और फिर से मैं हमारे मोबाइल को मैं फिर से EDL मोड पर डाल दूँगा, फिर से वही बैटरी कनेक्ट करके दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे उसको EDL मोड पर रख के मैं यहाँ पर FRP रिसेट पर क्लिक कर देता हूँ EDS FRP पर। और बहुत ही इसी तरीके से ये FRP रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ऑलराइट, हमारी FRP भी हो चुकी है। अब जाते हैं सीधा हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। बैटरी लगी हुई होगी तो आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसी तरह का वाइप डेटा होता हुआ नज़र दिखेगा आपको। तो इसको हो जाने देना है, उसके बाद अपने आप ही फ़ोन स्टार्ट होगा। फ़ोन स्टार्ट होने में थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी, लेकिन मैं वीडियो को यहाँ पर कट कर देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल सा FRP भी रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्किप नाउ और फ़ोन को रेडी कर लेना है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।